नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण संपन्न होने के बाद दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारक प्रचार के लिए जुट गए हैं। जहां दूसरे चरण के लिए 11 मई को मतदान होना है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कई जिलों का दौरा करेंगे। सीएम योगी आज अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली में चुनावी जनसभा करेंगे। सीएम योगी 11:25 पर अलीगढ़ में जनसभा करेंगे, वहीं 12:55 पर बदायूं में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम योगी 2:25 पर शाहजहांपुर में जनसभा करेंगे, साथ ही 3:50 पर बरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें, निकाय के रण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे हुए हैं और अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट की जनता से अपील कर रहे हैं। बिहार में बागेश्वर बाबा का दरबार लगने को लेकर काफी विरोध हो रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना के तेरतपाली में होने वाले कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें पत्रकारों से डर लगता है। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले प्रयागराज में कांड हो चुका है, इसलिए सभी पत्रकार दूर रहे। प्रयागराज में कांड हो चुका है, जरा दूरी बनाकर रखा। प्रयागराज में कांड हो चुका है, जरा दूरी बनाकर रखा। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को लगातार लोगों का समर्थन मिल रहा है। जहां एक ओर हरियाणा की अखाप पंचायतों ने आंदोलन का समर्थन करने की घोषणा की है, तो वहीं अब पहलवानों को किसानों का भी समर्थन मिल रहा है। बता दें कि जंतर मंतर पर पंजाब के किसान संगठन और नागरिक संगठनों के बैनर लग गए हैं। वहीं आज बड़ी संख्या में कई राज्यों के अखाप पंचायतों के लोगों के दिल्ली कूच करने की संभावना जताई जा रही है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। सभी बॉर्डर पर भारी फोर्स तैनात कर दी गई है। लखनऊ के ठाकुरगंज में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां शादी के दो दिन बाद यानी वालिमे वाले दिन दूल्हा और दुल्हन के परिवार वालों के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद दूल्हा पक्ष का कहना है कि चौथी में दुल्हन को लेने आए मेहमानों ने दूल्हे सहित परिवार के अन्य लोगों की पिटाई कर दी, जिसमें दूल्हा और दूल्हे के दोस्त को काफी चोटें आई हैं, जिसके बाद परिवार वाले थाने पहुंच गए, मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई है। नाश्ता पानी थोड़ा सा देर होने के कारण लड़की वाले की तरफ से जो लोग चौथी में आए थे, उन लोगों ने मारपीट की। घर में रुक कर उनके तरफ से जितने लोग थे, सारे लोगों ने मिलकर के और लोग हम सबको ऊपर गए, उनके हमला किया। उसके बाद यहाँ से मारने की धमकी भी दी, और मेरे सिस्टर यदि वो बहन और उसकी सामने हुई थी, वो भी मतलब आज तुम्हारा मिता था, आज वलीमा था, आज वलीमा था, आज वलीमा था। आज फिर हम लोग चौथी के लिए बोला था इन लोगों से कि कल हम लोग चौथी आएंगे, पर मुझसे सामान में नहीं हो पाया है, हमको थोड़ा सा टाइम दे दो। ये बात वहीं पे ख़त्म हो गई। जब हम लोग आज चौथी आए तो इन लोग उसी का खुन्नस निकाल के हम लोग को 1.5 घंटा बैठा दिया एक किनारे। जितने लोग थे हमारे जो बाहरी इंसान आए, तो वो लोग गुस्सा करने लगे, और जब वो लोग गुस्सा करने लगे तो बहुत मुश्किल से इन लोगों ने 2 घंटे के बाद चिल्लाने लगे। जब चिल्लाने लगे फिर नाश्ता तो उन्होंने लगाया, तो जब नाश्ता लगाया तो उसके बाद बोले कि तुम लोग की कोई औकात ही नहीं है ना। आज जो लड़ाई है उसका कारण उसका कारण सबसे मेन कारण है सामान नहीं दे पाए हमने इनको, जो हमने कहा था मारपीट इन लोगों से क्योंकि हमको धक्का डायरेक्टली पहले इन्होंने दिया था। शादी का बंधन दो परिवारों को जोड़ता है, लेकिन थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के बरौरा में एक अजीब और गरीब घटना देखने को मिली है। यहाँ पर दूल्हा की पिटाई हुई है, दूल्हा के जो घर वाले हैं उनको भी मारा गया है, और तमाम जो वहाँ उनके मेहमान थे उनके साथ दुल्हन के जो पक्ष के लोग थे उनको भी आपस में लड़ाई हुई है।
वहीं अगर दूल्हे की बात करें तो दूल्हे के परिवार वाले की बात करें तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि नाश्ते को लेकर, नाश्ते की देरी में जो हुई है उसको लेकर यहाँ पर ये विवाद हुआ, जिसमें आपस में मारपीट शुरू हो गई और कई लोगों के सर भी खुल गए। लेकिन अगर दुल्हन पक्ष की अगर हम बात करें तो उनका ये आरोप है कि दूल्हा ने गाड़ी और फ्रिज की डिमांड करी थी, जिसके बाद यहाँ पर ये मारपीट हुई है। लेकिन मामला थाना ठाकुरगंज क्षेत्र में आ चुका है और मामला अंदर चल रहा है। दूल्हा और दुल्हन दोनों थाने में मौजूद हैं और इन लोगों में आपस में बात हो रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है, क्या इन लोगों का रिश्ता बचता है या ये रिश्ता यहीं पे शादी वाले दिन ही ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए मोहम्मद उवैस। बुलंदशहर में दिन दहाड़े जेसीबी और डंपरों में मिलिट्री का अवैध खनन किया जा रहा है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे पर मिट्टी डालने की आड़ में खनन माफिया दिन दहाड़े मिट्टी का अवैध खनन कर रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लेखपाल की टीम को देखकर खनन माफियाओं में भगदड़ मच गई। लेखपाल की टीम के सामने से खनन माफिया जेसीबी और डंपरों को लेकर फरार हो गए। इतना ही नहीं, दबंग खनन माफियाओं ने लेखपालों की टीम को कहीं भी नौकरी ना कर पाने की धमकी दी है। वहीं एसडीएम सयाना का दावा है कि खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी मालती देवी यादव के ससुर और जेठ ने आज बीजेपी ज्वाइन किया। आपको बता दें कि जहां एक ओर मालती देवी का परिवार भाजपा ज्वाइन कर रहा है तो वहीं दूसरी ओर मालती देवी यादव प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि मालती यादव को हार का सामना करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।